नगर अमानगंज में इंदिरा लगातार सड़कों पर जाम की स्थिति निर्मित होती है, जिसकी वजह है सड़क किनारे फुटपाथ पर लग रही दुकानें जो सड़क को संकीर्ण बना रही हैं। ऐसा ही गुनेर रोड साप्ताहिक बाजार में देखने को मिल रहा था, जहां साप्ताहिक बाजार के दिन भारी संख्या में बाहर से व्यापारी आकर सड़कों पर दुकान लगाते थे, जिससे जाम की स्थिति निर्मित हो जाती थी। जिसको लेकर आज अमानगंज प्रभारी तहसीलदार अवंतिका तिवारी एवं नायब तहसीलदार संध्या अग्रवाल सहित नगर पंचायत सीएमओ एवं नगर पंचायत स्टाफ साप्ताहिक बाजार पहुंची और उन्होंने फुटपाथ पर लगी दुकानों का अतिक्रमण हटाते हुए सभी दुकानदारों को बाजार के अंदर शिफ्ट कराया और साथ ही दुकानदारों को हिदायत दी है कि कोई दुकानदार नियमों की अनदेखी कर बाजार के बाहर दुकानें लगाता है तो उसका सामान जब्त करने की कार्यवाही की जाएगी। साथ ही कर्मचारियों को निर्देश दिए गए हैं कि हर सप्ताह को रोड के किनारे चूना डाला जाए ताकि कोई दुकानदार सड़क किनारे दुकान न लगा सके। ग्लोबल इंडिया टीवी के लिए पन्ना से रजनीश नामदेव की रिपोर्ट। साप्ताहिक बाजार में कार्रवाई हुई है, आज जो कार्रवाई की गई है, यहाँ दुकानदार बाहर से भी आते हैं, बहुत से ठेला ठेलिया वाले जी, तहसीलदार मैडम तिवारी जी एवं आपके संध्या मैडम जी तहसीलदार और पुलिस विभाग साथ में होकर इस रोड का अतिक्रमण हटवाया गया और बार बार कहने पर दुकानदार भी मानते नहीं हैं। कल से निर्देश दिए हैं तहसीलदार महोदय ने कि चूना डलवा के इनको बाजार के अंदर ही रखा जाना है। रोड पर जाम लगता है, कहीं एम्बुलेंस गाड़ियां कटती हैं, कहीं मरीज कटते हैं, इस वजह से ये रोड खाली रहने के आदेश तहसीलदार महोदय तिवारी जी के निर्देशन पर आज का यहाँ कार्यक्रम ठेला ठेली मोटरसाइकिल हटवाने का कार्यक्रम संपन्न किया। हिदायत देने के बावजूद अगर नहीं मानते हैं तो फिर क्या कार्रवाई की? कार्रवाई पुलिस द्वारा मोटरसाइकिल है अटिलिया है, इनका मोटरसाइकिल का चालान कराया जाएगा, इनका इनकी जब्ती बनाई जाएगी, सब्जी वालों की या अन्य दुकानदार अन्य सामग्री बेचते हैं, फुटकर सामग्रियाँ रहती हैं, सबका इनका जब्ती बनाएगी।